कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले किशोरी की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया था। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के उपरांत तहरीर सूचना के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कुशीनगर SP के आदेश पर गठित टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम को कुशीनगर SP द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया। लड़की का शव मिला था, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण के समय कुछ क्लू मिले थे जिनके आधार पर पुलिस ने काम करना शुरू किया, तो घटना में 2 अभियुक्त शामिल पाए गए। दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ पर उन्होंने बताया उसमें से एक अभियुक्त की रिश्तेदार थी, वो रिश्ते में दूर का बहन ही लगता था, आता जाता था, उससे उसके अवैध संबंध हो गए थे और शादी के लिए लड़की दबाव डाल रही थी क्योंकि वो पहले शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। तो पहले तो उसने समझाने की कोशिश की, जब ये इसने दबाव बनाए रखा तो उसने षड्यंत्र करके अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ये प्लानिंग की और उस दिन शाम को आया, इसको साथ बुलाकर ले गया और दोनों लोगों ने मिलकर मफलर से उसका गला कसकर हत्या करके खेत में डाल दिया था। इनको ये उम्मीद थी कि रात में शायद वहाँ जंगल टाइप का है तो कोई जानवर वगैरह डेड बॉडी खा लेंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन खेत स्वामी ने सुबह जब इसकी डेड बॉडी देखी तो उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया और घटना प्रकाश में आ गई, जिससे कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी संभव हो सके। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जेल दौड़ना किया जाए। मेरठ में सिंह होटल मालिक ने दबंगई दिखाते हुए खाना खाने आए कस्टमरों को बंधक बनाकर 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस के सामने भी होटल मालिक युवकों को पिटाई करता रहा और पुलिस देखती रही। अब देखना ये होगा कि ऐसी क्या वजह रही जो होटल मालिक दोनों व्यक्तियों को पीटता रहा और पुलिस देखती रही, और जिनकी पिटाई की गई उन्हें पुलिस ने थाने में ले जाकर बिठा दिया। कोसी घाट पर कार्तिका पूर्णिमा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। कोसी नदी में लगाई आस्था की डुबकी, सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रामपुर प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल ड्रेस महिला पुलिस भी लगाई गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के बड़े गुरुद्वारे में गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारे में डायलिसिस सेंटर खोले गए जहाँ पर फ्री डायलिसिस कराई जाएगी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन मंत्री जनरल VK सिंह ने किया। निडर यानी कैंसर से लड़ते वक्त निडर रहो, परिवार का सपोर्ट मिले, लेकिन जो आर्थिक पैकेज है उस पर आके वहाँ डर जाते हैं, उसके लिए आपने क्या? जैसे भी आपको पहले भी मैं बता रहा था कि ये बात रियलिटी है कि कॉस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि नए नए टेस्ट आ गए हैं, नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है और अनफॉर्चुनेटली वो टेक्नोलॉजी वो दवाइयाँ हमारे देश में नहीं बनती हैं, वो बाहर बनती हैं, वहाँ से इम्पोर्ट होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सारी चीज़ें अगर देख लो। एक रेडिएशन की मशीन है, एक प्रोग्राम चलाने के लिए वो रेडिएशन मशीन ही 18 करोड़ रुपए की, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, बट इफ यू लुक एट दी, अगर आप देखें कि फैसिलिटी इसी के किस दूसरी जगह किस कॉस्ट से मिलेगी तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी कॉस्ट 10 गुना से ज़्यादा है, तो 1/10 कॉस्ट पर वो चीज़ें मिल रही हैं बिकॉज हम इसी समाज का हिस्सा हैं, हम सभी मिलकर अपने समाज की सेवा करनी है। तो जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग कॉस्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं, पैकेज को स्मॉल करते हैं और वी वांट टू रीच टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, बट सच बात ये है कि हमेशा ये संभव नहीं है, जो रियलिटी है कि भाई ये कॉस्ट एक नीचे की जाहिर नहीं, वायबिलिटी नहीं है, फिर आप नई मशीन ले नहीं पाओगे, फिर आप पुराने होते जाओगे, फिर आप इररिलेवेंट हो जाओगे। तो अगर आपको नई टेक्नोलॉजी नई साइंस आगे बढ़ना है तो खर्चा झेलना पड़ता है। लेकिन सर गरीब लोग तो निडर, तो हम लोग के 10% बेड फ्री पेशेंट्स के लिए, हम भी चाहते हैं 10 के 100% हो जाए, हमें भी सपोर्ट मिल जाए, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, सबका सपोर्ट मिले, सब लोग NGO सपोर्ट करें तो क्यों नहीं करेंगे, सब चाहते हैं, बट हमें चाहते हैं फैसिलिटी का लेवल ना कम हो, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ना कम हो, क्वालिटी भी ऊपर जाता जाए और कॉस्ट भी मेंटेन होती जाए, दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। क्या आप आयुष्मान योजना के संपर्क में? सो आयुष्मान योजना के साथ हम लोग रियलिस्टिकली ट्राई कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से लिमिटेशन है अभी, बट ग्रेजुअली विल सी व्हाट वी कैन। तो आज यहाँ पहुँचे हैं आप जो हैं, तो किस चीज़ का उद्घाटन किया है, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, इस पवित्र प्रकाश पर्व पर 550वां जयंती का साल है गुरु नानक देव जी का,
और खासकर ये जो हमारा गुरुद्वारा है ये सामाजिक कार्यों को बहुत करते हैं। पहले इन्होंने डिस्पेंसरी खोली जिसके अंदर मुफ्त ट्रीटमेंट करते हैं, आज उसके बाद इनका डेंटल सेंटर है, फिर एक डायलिसिस के लिए इन्होंने सेंटर खोला है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोई पैसा किसी से नहीं लेंगे, समाज की सेवा करेंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी धार्मिक संस्था अगर ऐसा करती है तो वास्तव के अंदर धर्म को भी बढ़ाती है और समाज की सेवा भी करती है। अच्छा, कितनी आवश्यकता है इस तरह के और भी डायलिसिस सेंटर? जहाँ जहाँ जो खोलना चाहे वो खोल ले। डायलिसिस आजकल किडनी की सबको समस्या है, शुरुआत है यहाँ से, इनकी देखा देखी और भी लोग अगर इस पर चल पड़े इनका इनके साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है।